मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द लेमिनार फ्लो, इन विच द फ्लूड मूव्स पैरेलल टू इन लेयर एंड विदाउट एनी मिक्सिंग और डिस्टर्बेंस. द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम इन अ गिवन पॉइंट. लाइक एग्जाम्पल इज शोन, द फ्लूड इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड हैविंग नो एनी चेंज. Just like another example, the fluid is moving. You can say as the flame. This is how the flame are shown. The flame are shown in which they are moving in the same direction. Some characteristics of the streamline flow. There is no flow across the stream. That means like stream is showing, the flow is not take place perpendicularly. That means this in this direction. It move in the same direction where it is moving. And the streamline spacing varies directly with the velocity at the section. That means they have the same velocity and they are moving in the same direction. They are the turbulence flow that's showing over here. Now streamline do not cross each other. They do not cross, just like the flow. Here the cross section is taking place, but in a streamline. That means if we see in another example, there is a streamline shown. And when they are mixed in a different streams, or you can say in a very in a different manner, then this is the turbulence flow is showing. Streamline flow is also shown with the plane laminar flow, just I shown. Now with the plane again, it shown the laminar flow or the streamline flow. Example of the streamline are the flow, smoke, tap, fountain, aircraft, water balloon, rivers, canal, etc. These are the flame that's are showing, that is a smoke I say. Turbulence flow is shown and the streamline, this already have seen the streamline. That means there is no variation, that means move in perpendicular direction they move in, but in the later section of the canal it's moving left and right, and that's is the turbulence flow. This is the turbulence flow is showing. Turbulence flow is another example I'm showing over here. In a turbulence flow, that means they move in a different manner, just like here in show. But in streamline, that move is in a straight line. आज हम streamline flow के बारे में पढ़ेंगे. Streamline flow को laminar flow भी कहा जाता है. इसके अंदर fluid. अब fluid क्या होता है? Fluid होता है जो बह सकता है. Liquids में जैसे water, kerosene, petrol, etc. एयर भी जो है फ्लूड में काउंट होता है. ये पैरल में चलता है, लेयर उसकी पैरल चलती हैं और कोई मिक्स नहीं होता आपस में. वेलोसिटी हर एक टाइम की फ्लूड की सेम रहती है और इंस्टेंट में. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, पानी जो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ बह रहा है तो सबका एक ही फ्लो होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा. दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे यहाँ पर पानी जा रहा है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा. परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ये खेत की तरफ जा रहा है, सिंपल सिंपल स्ट्रेट में जा रहा है. आज हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रीमलाइन फ्लो को लेमिनार फ्लो भी कहा जाता है. ये एक फ्लूड में होता है. अब फ्लूड क्या होता है? फ्लूड वो चीज़ होती है जिसके अंदर बह सकता है, जैसे कि गैस. आज हम स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रीमलाइन क्या होता है? इसे लेमिनार फ्लो भी कहा जाता है. इसके अंदर फ्लूड जो है मूव करता है एक लेयर्स में. अभी फ्लूड क्या होता है? जिसके अंदर वाटर एयर जो बह सकता है उसे फ्लूड कहा जाता है. इसके अंदर ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं और कोई डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस नहीं करते. वेलोसिटी ऑफ ईच फ्लूड रिमेन कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहती है एक टाइम के अंदर इन ए गिवन टाइम में. जैसे यहाँ आप देखेंगे अंदर की तरफ से पानी बाहर बह रहा है, ना उल्टे हाथ को ना सीधे हाथ को बहेगा, सीधे सीधे चलता जाएगा. इस तरीके फ्लो को जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है.
दूसरा एग्जांपल यहाँ से फिर से ऐसी आ रहा है ना, ये उल्टे हाथ पे बह रहा है, सीधे हाथ पे सीधे सीधे बह रहा है, तो इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। स्मोक का यानी जैसे धुआं जैसे चल रहा है, ये धुआं दिख रहा है आपको, ये इसे फ्लो करता है, इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टी, जैसे कि ये ना तो मतलब देर इज़ नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको यहाँ पर जो पानी है वो सीधे सीधे जाएगा, ना उल्टे हाथ पे मूव करेगा ना सीधे हाथ को मूव करेगा, तो ये मूव नहीं करता है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि इसमें स्ट्रीमलाइन में स्पेस वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी एट द सेक्शन, यानी सबकी सेक्शन की एक ही जैसी वेलोसिटी होती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है वो आपस में क्रॉस नहीं करता, ऐसा नहीं कि पानी जो है इसके ऊपर पानी ऊपर चढ़ जाएगा, वो टर्बुलेंस में होता है। जैसे यहाँ पर ये टर्बुलेंस फ्लो दिखा रखा है, टर्बुलेंस फ्लो में पानी कहीं से भी जा सकता है, घुमावदार होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिखा जा रहा है पानी आ रहा आराम आराम से, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ, और जैसे ही गुच्छे मुच्छे तरीके से घूमने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंस फ्लो कहा जाता है। टर्बुलेंस फ्लो बहुत ही टेढ़ा होता है और इसे समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ज़्यादातर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात करते हैं। स्टेडी स्टेट में जो स्ट्रीमलाइन फॉलो करता है वो अपना टाइम के साथ पैटर्न डज नॉट चेंज, जैसे पैटर्न जैसे प्लेन चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है चेंज नहीं करेगा। तो ये जो लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन एक ही डायरेक्शन में रहता है, और अगर आप 90 डिग्री अगर आप करें इसमें तो ये इसकी प्रोजेक्शन की स्पीड से दिखाता है, ये इसमें बताया जाता है। इट विल अलाइन विद द इंस्टेंट वेलोसिटी, जो इतनी इंस्टेंट वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पे वो दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लेन दिखा रखा है, इसे 90 डिग्री पे अगर आप करेंगे तो ये इसकी वेलोसिटी दिखाएगा हर एक की कि कितनी फ्लो पे कर रहा है। एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम इन फ्लो का जो है स्मोक है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये स्मोक है। दूसरा इसमें फाउंटेन दे रखा है, एयरक्राफ्ट भी दिखा दिए आपको, ये सारे एयरक्राफ्ट हैं। दूसरा फिर आपका कैनाल रिवर दिखाते हैं आपको, यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखा रखा है और ये टर्बुलेंस फ्लो इसमें दिखा है, टर्बुलेंस फ्लो और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। यहाँ पर टर्बुलेंस फ्लो का दूसरा एग्जांपल ये रहा, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वेलोसिटी जो पानी की है या फ्लूड की बार बार चेंज होती रहती है। ये एक बार फिर से आपको टर्बुलेंस फ्लो दिखा रखा है, टर्बुलेंस फ्लो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, स्ट्रीमलाइन में स्ट्रेट चलती है, यानी एक जैसी चलती है, सबकी सेम स्पीड रहती है। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे कमेंट लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो।